अमल साले, यानी हर अमल आपका साले हो, हर अमल वैसे ही हो जैसे उसको अल्लाह तबारक व तआला ने डिजाइन किया है, उसी तरह से उसको अंजाम दें, न कि अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के साथ। हमारे अमाल सालेहा नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम हर अमल करने में सबसे पहले अपनी सहूलत देखते हैं। वो आफत जो सब में, सब उसके अंदर गर्क हैं और मुबतला हैं और अपना नुकसान करते हैं, हर काम में अपनी सहूलत देखते हैं। जो भी काम होता है नाकिस क्यों होता है? चूंकि हमने, करने वाले ने अपनी सहूलत देखी है, उसमें काम को नहीं देखा कि ये काम, इसका मेयार ये है, इसकी कसौटी ये है, इसका पैमाना ये है, इसकी असल सरिश्त ये है, बुनियाद ये, मैं इसके मुताबिक इसको अंजाम दूं। अपनी सहूलत देखकर कुछ काम उसमें करता है, कुछ नहीं करता। फर्ज करें आप तालीम दे रहे हैं, तालीम देने में अपनी सहूलत मद्देनजर है, तालीम ले रहे हैं, तालीम लेने में अपनी सहूलत मद्देनजर है, अपना मिजाज मद्देनजर है, खूब ये खसारे में है, अमल साले नहीं अंजाम दे रहे। नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज साले कब है? साले यानी जब उसको उसकी असल के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक अंजाम दे, ये साले है। फासिद जब उसके मुताबिक ना हो, उसमें कमी आ जाए या उसमें इजाफा हो जाए, ये अमल फासिद है। अमल सालेहा यानी नमाज हर सूरत में अमल साले नहीं है, उस सूरत में अमल साले है जब अपने पूरे तरतीब के साथ उसको खड़ा किया जाए, अंजाम दिया जाए, इकामत और सलात किया जाए, उसके जाहिर और बातिन और रूह के साथ, यानी उसके अहकाम, उसके आदाब और उसके असरार, फिर ये अमल साले में शुमार होता है।